तस्वीरें पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट की हैं, जहां बड़ा आतंकी हमला हुआ। दावा है कुछ हथियारबंद लोग ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी के परिसर में घुसे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में स्थानीय सुरक्षा कर्मियों ने भी फायरिंग की, जिसमें 8 हमलावरों के मारे जाने की खबर है। हमले में पासपोर्ट ऑफिस भी तबाह हो गया, जिसके बाद पाक सरकार ने ग्वादर में सिक्योरिटी बढ़ा दी है। साथ ही ग्वादर पोर्ट पर सेना को भी तैनात कर दिया है। ग्वादर पोर्ट पर हुए हमले के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें पोर्ट से धुआं उठता दिखाई दे रहा है, तो वहीं कुछ वीडियो में फायरिंग की आवाज साफ सुनाई दे रही है। इस हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने ली है। BLA ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। अब सवाल ये है कि आखिर BLA ने हमला किया क्यों है। दरअसल ग्वादर पोर्ट चीन और पाकिस्तान के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का अहम हिस्सा है, लेकिन बलूचिस्तान के लोग इसे अपने संसाधनों पर कब्जे के रूप में देखते हैं, और यही वजह है कि लंबे समय से इस इलाके में निर्माण कार्यों के शोर के बजाय खौफ और दहशत का सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन वजह कई और भी है। लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में अगर चीन निवेश कर रहा है और स्थानीय लोगों को रोजगार देने का वादा कर रहा है, तो बलूच इसका इतना हिंसक विरोध क्यों कर रहे हैं। दरअसल साल 2015 में CPEC की घोषणा हुई थी। इसके तहत 2442 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जानी थी, जो चीन के सिंजियांग शहर को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ेगी। CPEC के तहत चीन ग्वादर पोर्ट को विकसित कर रहा है और पानी की तरह पैसा बहा रहा है। इस पोर्ट पर चीन $46 बिलियन खर्च कर चुका है। रिपोर्ट की माने तो चीन खाड़ी देशों से आने वाले तेल और गैस को बंदरगाह, रेलवे और सड़क के जरिए कम समय और कम खर्च में अपने देश तक पहुंचाना चाहता है। 2015 में वादा किया गया था कि CPEC के तहत ग्वादर पोर्ट को एक नया रूप दिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए चीन ने इस प्रोजेक्ट की फंडिंग रोक दी। भ्रष्टाचार उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, स्थानीय बलूचों के विरोध प्रदर्शन और हमलों ने चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि इसके कई और भी कारण हैं। आरोप नंबर 1, बलूचों का आरोप है कि CPEC और ग्वादर में चल रहे दूसरे प्रोजेक्ट्स में स्थानीय लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। चीन की तरफ से किए जा रहे निर्माण कार्यों ने स्थानीय लोगों के जीवन में कोई सुधार तो नहीं किया, बल्कि कई लोगों की आजीविका भी उजाड़ दी। ग्वादर की एक बड़ी आबादी जीविका के लिए मछली पालन पर निर्भर है, लेकिन पाकिस्तान ने चीनी नावों को यहाँ मछली पकड़ने का लाइसेंस दिया है। चीन की बड़ी बड़ी और अत्याधुनिक बोट्स के आगे स्थानीय लोग अपनी नाव नहीं उतार पाते, इसका सीधा असर उनकी कमाई पर पड़ रहा है। आरोप नंबर 2, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब स्थानीय लोगों को मछली पकड़ने के लिए टोकन लेना पड़ता है और उन्हें इसके लिए एक तय समय अलॉट किया जाता है। ईरान के साथ सीमा पार से होने वाले व्यापार पर भी रोक लगा दी गई है, जिससे लोगों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। चीनी कंपनियों और पाकिस्तान के अन्य इलाकों को भी लाभ पहुंचाने के लिए तेल और गैस जैसे क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी बलूचों के लिए चिंता का विषय है। यानी आसान भाषा में कहें तो बलूचों की आजीविका पर सीधा असर पड़ रहा है। कई लोगों की आजीविकाएं बंद होने की कगार पर हैं। आरोप नंबर 3, बलोच आबादी चौड़ी सड़कों और हवाई अड्डों को विकास और बेहतर जीवन स्तर का पैमाना नहीं मान रही, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि ग्वादर शहर में करीब 1,00,000 लोगों के पास पीने तक का पानी नहीं है। चीनी अधिकारियों और प्रोजेक्ट्स को सुरक्षा देने के लिए पाकिस्तान सरकार ने इस इलाके को छावनी बदल दिया है। लोगों से अपने इस शहर में सिक्योरिटी चेक पॉइंट से पूछताछ की जाती है। बलोचों को डर सता रहा है कि CPEC के पूरा होने के बाद चीन और पाकिस्तान के अन्य हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग ग्वादर आएंगे और आखिर में एक बड़े डेमोग्राफिक बदलाव के बाद वे अपने ही घर में अल्पसंख्यक बनकर रह जाएंगे। और यही वजह है कि लंबे समय से बलोच पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स का विरोध करते आ रहे हैं, जिसमें BLA अहम भूमिका निभाता आ रहा है। बता दें कि अलग बलूचिस्तान प्रांत की मांग के समर्थन में 1970 में BLA संगठन बना था। जब इसका दायरा और प्रभाव बढ़ने लगा तो जनरल जिया उल हक की तानाशाह सरकार के दौर में इससे बातचीत भी हुई, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। BLA पर पाकिस्तानी फौज और सरकार के संस्थानों पर हमले के आरोप लगते रहे हैं। बलूच आर्मी में करीब 6,000 लड़ाके हैं, जो साल 2006 के बाद पाक सेना और सरकार के लिए बहुत मुश्किल चुनौती बन गए हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए News18 India Originals के साथ।